Hello all students, in this video we shall continue the our chapter number 4, Albert Einstein at school. So let's continue the story. अब तक हमने देखा है स्टोरी में कि डॉक्टर जो है हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन है उनको नर्व्स ब्रेक डाउन का सर्टिफिकेट दे देता है और वो आगे क्या होता है स्टोरी में देखते हैं. इट इज़ द वंडरफुल ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट. यस इट इज़ अ फाइन ब्यूटी अगेन. 6 months इज अ गुड पीरियड. दिस वाई यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल. सो इफ द बर्स्ट कम्स टू द बर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा. मैं यहाँ पे यूरी को जब वो सर्टिफिकेट दिखाती हूँ आइंस्टाइन, तो यूरी क्या कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया. अब ये सर्टिफिकेट जब तुम्हारे पास है तो तुम स्कूल छोड़ के जा सकते हो और वापस आके अपना डिप्लोमा भी जो है वो कम्प्लीट कर सकते हो. आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस आल्बर्ट अश्योर है. अब आल्बर्ट को तो स्कूल से कैसे भी करके निकलना था और वो कहते हैं कि मैं अब इस प्लेस पे वापस कभी नहीं आना चाहता. वो भी मीनिंग जो है म्यूनिक में वापस आना नहीं चाहते थे, वो स्कूल में वापस आना नहीं चाहते थे. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन रिटन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक टीचर फर्स्ट. यू बी रिमाइंडेड. अब आल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि मैं कॉलेज जाऊंगा ये सर्टिफिकेट लेके हेड टीचर के पास और मैं कह दूंगा कि मुझे जो है स्कूल छोड़नी है और मैं अब डिप्लोमा यहाँ पे नहीं करना चाहता. तो यूरी उसे याद दिलाता है. यूरी रिमाइंडेड हिम दैट कि तुम जो अपना जो रेफरेंस है वो जो अपने मैथमेटिक टीचर से लेने वाले हो वो लेना मत भूलना. मिस्टर कोच विलिंगली गेव आल्बर्ट द रेफरेंस ही वेंट वॉन्टेड. इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी एंड विल दैट बी ऑल राइट. ही आस्क्ड. अब मिस्टर कोच है वो उनके मैथमेटिक टीचर है आल्बर्ट आइंस्टाइन के, तो वो आल्बर्ट आइंस्टाइन को रेफरेंस जो है लेटर लिखने को है वो लिख के देने के लिए तैयार थे. और वो कहते हैं कि क्या मैं लिखूँ रेफरेंस लेटर में, मतलब कि वो मैं ऐसा लिखूँ कि अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता ज़्यादा, अगर थोड़ा टाइम और तुम यहाँ रहोगे तो तुम ही मुझे पढ़ाने लगोगे मैथमेटिक. मतलब कि यहाँ पे आल्बर्ट आइंस्टाइन को मैथमेटिक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो उन्होंने सारे जो सम्स थे मैथमेटिक्स के वो सॉल्व कर लिए थे. और उनके टीचर भी ये कहते थे कि अगर अब आल्बर्ट आइंस्टाइन ज़्यादा उनके साथ रहा तो वो उन्हें सिखाने लगेगा, ना कि वो उन्हें मैथमेटिक टीचर उन्हें सिखाने. तो दैट्स सेइंग टू मच सर, सेइंग आल्बर्ट कहता है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर. इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑलराइट. अब वो कहते हैं कि जो ये सच है पर कोई बात नहीं. मिस्टर कोच मेड द पॉइंट आल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर द कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी फॉर हायर मैथमेटिक्स. अब वो क्या लिखते हैं रिफरेंस बुक में कि जो है आइंस्टाइन वो बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक में अच्छा है और वो रेडी है आगे किसी भी इंस्टीट्यूट और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए. आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वॉशिंग वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास. इसे अब मिस्टर कोच कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ रहा है और तुमने अपना जो टाइम है मेरी क्लास में वेस्ट किया है. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. Then Albert said that to the Mr. Coach that it's almost the only class. अब मैथमेटिक ऐसी क्लास था जहाँ आल्बर्ट को अच्छा लगता था कि आपका ये क्लास था जहाँ पे मुझे अच्छा लगता था और मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया. It is almost the only class where I'm not wasting my time, said Albert. But how did you know I am leaving, sir? But जो है प्रश्न आल्बर्ट को एक ऐसा भी अपने मन में आता है कि सर को कैसे पता कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ. तो उनसे वो पूछता है कि आपको कैसे पता सर कि मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ. यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज. आई थॉट यू वुडंट वंडर. देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन. आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ. आल्बर्ट वाज पजल्ड. व्हाट डिड द टीचर मीन.
he soon found out. Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. यहाँ पे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनके मैथ्स टीचर हैं मिस्टर कोच, वो कहते हैं कि जो है देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, आई नो वेयर टू गोइंग न्यू बिफोर यू योर न्यू हिमसेल्फ. अब वो कहते हैं कि ये रेफरेंस टू रेफरेंस तो वैसे तो लेंगे नहीं लोगे, जनरली तुम्हें जो स्कूल छोड़ना होगा इसलिए ले रहे होंगे. तो वो कहता है कि तुम एक ना एक दिन बहुत जो है अच्छे स्टूडेंट बनोगे, तुम एक ना एक दिन वंडर करोगे, कुछ तो ज़्यादा तुम्हें ऐसा है जो तुम आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा वंडरफुल करोगे. तो आइंस्टाइन है वो थोड़े से अजय हो जाते हैं. अब वो सोचते हैं कि उन्हें हेड रूम में जाना चाहिए जहाँ पे हेड टीचर है. तो अब उन्हें जब उन्हें सोच ही रहे होते हैं तब क्या होता है कि उन्हें समोट मीन्स क्या होता है बुलाना या फिर कॉल करना. तो वहाँ पर हेड रूम से उन्हें कुछ बुलावा आ जाता है. वेल इट सेव्स मी the trouble to having to wait on hours or to outside the court. He hardly bothered to wonder why he had been sent for. But vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. When he had finished his punishment, I am not going to punish you, their head teacher said to the Albert's surprise. Your work is terrible and I am not preparing to have you here any longer, Einstein. I want you to leave the school now. Leave the school now? Repeated Albert Basin. That is what I say. You mean, said Albert, that I am to be explained? You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not a minting word. The simplest thing will be for you to go of your own accord and then the question wouldn't arise. अब यहाँ पे उन्होंने बोला, उन्होंने क्यों बोला था आइंस्टाइन को ऑफिस में. वहाँ पे आइंस्टाइन ने सोचा कि शायद मुझे किसी पनिशमेंट के लिए बुलाया हो, हर बार उसे पनिश करने के लिए बुलाया जाता था. तो इस बार भी शायद उसे पनिशमेंट देनी हो उसके लेजीनेस के कारण या फिर कुछ गलत काम किया हो उसके कारण. तो आइंस्टाइन को ऐसा लगता है कि उन्हें पनिश करने के लिए हेडमास्टर ने बुलाया है. पर जब वो अंदर जाते हैं तो हेडमास्टर क्या कहते हैं कि तुम्हें स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा. तो आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या आपका मतलब क्या है, मुझे जाना पड़ेगा. तब हाँ वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सीधे से बताना चाहता हूँ, मैं कोई भी वर्ड्स को है तुम घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहता हूँ, तुम अपनी मर्जी से चले जाओ अच्छा है, नहीं तो हमें तुम्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा. बट सेड आल्बर्ट, व्हाट क्राइम आई हैव कमिटेड. बट आल्बर्ट को थोड़ा शौक लगता है तो वो पूछता है कि मैंने क्या किया है ऐसा जिस वजह से आप मुझे ऐसे निकाल रहे हो. योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर यू to learn. You refuse to learn. You are in the context rebellion and no serious work can be done while you are there. Albert felt a medical certificate almost burning the hole is in his pocket. अब यहाँ पे Albert Einstein को जो है हेडमास्टर को क्या कहते हैं, हेड सर हेडमास्टर को कहते हैं कि तुम जब यहाँ पे रहते हो क्लासरूम में तो तुम्हारी वजह से बाकी बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं, टीचर्स भी नहीं पढ़ा पाते हैं. तुम हमेशा रिबेलियन मीन्स के अपोज्ड, तुम हमेशा उनके अपोज्ड ही जाते हो, तुम्हारा माइंड हमेशा उनके अपोज्ड ही होता है, जिस वजह से तुम अपना काम नहीं करते तो दूसरों को भी अपना काम नहीं करने देते. अब आपका एक बात होता है तो वो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट को ऐसे ही वेस्ट चला गया और उसके पैसे उसके पीछे जब बर्बाद किए वो भी वेस्ट चला गया. आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही से. Then we are in the argument at least, Einstein, the head said. For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word, holding his head high. He started out, searched the door after you shouted, head. Albert ignored it. अब यहाँ पे Albert है वो तो ठीक है, तो मैं अभी जा सकता हूँ ऐसा बोलते हैं. वो आगे बोलना चाहते थे कि आपके स्कूल से वैसे भी मुझे जाना था, मैं ऐसे
छोड़ने में यही बताने आया था कि मैं आप उसको छोड़ रहा हूँ, पर वो फिर ज़्यादा जो नहीं वो बात करना नहीं चाहते, वो वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं आलबर्ट। और जब वो निकलते हैं वहाँ से तो उनके जो हेड मास्टर हैं उन्हें पीछे से बोलते हैं कि दरवाज़ा बंद करके जाना, तो आलबर्ट उन्हें नहीं सुनते, इग्नोर करते। ही वॉक स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट फाइव मिसरेबल इयर्स विदआउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट लास्ट लुक। ही कुड नॉट थिंक of anyone he wanted to say goodbye to. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town. He had come to hate almost as much as the school. Elsa was back in Berlin and he had no other real friend. Goodbye and good luck, said Yuri when he left. You are going to a wonderful country. I think I hope you will be happier there. यहाँ पे आल्बर्ट आइंस्टीन स्ट्रेट वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कूल में ऐसा कोई नहीं होता जिन्हें वो गुड बाय कहना चाहते हो। और फिर यूरी है जो उनका एक, यूरी और एल्सा दो ही उनके रियल फ्रेंड होते हैं, और वो यूरी है उन्हें गुड बाय विश करता है, गुड लक विश करता है, फॉर उनके जो है उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष उन्हें देता है और कहता है कि तुम एक बहुत ही बड़े वंडरफुल इस कंट्री में जा रहे हो, तो तुम्हारा वहाँ आई होप कि तुम्हें वहाँ अच्छा मिलेगा। और नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो जो आगे का चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इसके सारे जो है हार्ड वर्ड्स हैं या फिर आपको इसमें जो सारे क्वेश्चन आंसर हैं वो